राष्ट्रीय जनता दल के संगठनात्मक चुनाव शुरू होने में महीने भर का वक्त बचा है। दुर्गा पूजा के बाद 10 अक्टूबर तक पार्टी का सदस्यता अभियान चलना है और उसके बाद सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रखंड से लेकर जिला स्तर पर संगठन चुनाव कराए जाने के बाद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पद का चुनाव कराया जाएगा। हालांकि पार्टी के अंदर इस बात को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि क्या रामचंद्र पूर्वे प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। आरजेडी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो रामचंद्र पूर्वे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। पूर्वे की खासियत यह रही है कि वो लालू प्रसाद यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक के नेतृत्व के साथ कंफर्टेबल रहे। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बाद पार्टी में प्रदेश की कमान संभालने वाले पूर्वे को लेकर तेजस्वी पॉजिटिव रहे हैं, लिहाजा पूर्वे आगे भी इस पद पर बने रह सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी और डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे के बीच अगर कोई चीज आड़े आ सकती है तो वो है पूर्वे की बढ़ती हुई उम्र। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और तेजस्वी यादव ये चाहेंगे कि उनका प्रदेश अध्यक्ष पूरे दमखम के साथ पार्टी और संगठन को लेकर चुनाव में उतरे। ऐसे में इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि पूर्वे को किसी नए तेज तर्रार नेता से रिप्लेस किया जाए। अगर तेजस्वी ने वाकई बदलाव का मन बनाया तो प्रदेश अध्यक्ष की रेस में पूर्व मंत्री और आरजेडी के विधायक आलोक मेहता का नाम सबसे आगे है। प्रदेश नेतृत्व तेजस्वी की पसंद का होगा यह जाहिर है, लेकिन उस पर लालू यादव की रजामंदी भी जरूरी होगी।